हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ डेमॉन PS2 एमुलेटर में आप USB रिमोट कंट्रोल गेम पैड कैसे आप उसको वर्क करा सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। तो आप पहले वीडियो देख लीजिए मेरी, जिसमें मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कौन सा गेम पैड यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है लेफ्ट साइड एनालॉग स्टिक और ये राइट साइड, और L1, L2, R1, R2 और ये आपका सर्कल, क्रॉस, स्क्वायर और ट्राइंगल। तो मैं आज इन्हीं के बारे में बताऊंगा कि इनको कैसे डेमॉन्स PS2 एमुलेटर में आपको सेट करना है, क्योंकि उसमें कोई सेटिंग नहीं है। तो आपने देख लिया है, ऐसा रिमोट कंट्रोल आप अपने डेमॉन्स PS2 एमुलेटर में एंड्रॉयड में आप वर्क करा सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे आपने देख लिया कि मैं कौन सा गेम पैड यूज़ कर रहा हूँ, तो अब आपको इसको वर्क कराने के लिए आप अपने फ़ोन को फोन से अपना USB कंट्रोलर अटैच कर लें OTG की मदद से। उसके बाद आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, USB जॉय कंट्रोलर, वो जॉय स्टिक सॉरी। तो वो आपको डाउनलोड कर लेना है और मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद IME पे क्लिक करना है, उसके बाद USB जॉय फ्री सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट होने के बाद आपको सर्च, यहाँ कोने में आपको सर्च दिख रहा है, सर्च पे क्लिक कर दें। जब ये आपका USB कंट्रोलर ये सर्च करने लगेगा, सर्च करने के बाद ये आ जाएगा। उसके बाद आपका अभी हो चुका है। अब इसके बाद आपको जो आपकी लेफ़्ट साइड वाली एनालॉग स्टिक है उसको कैसे वर्क कराना है, तो आप इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा कैसे यूज़ करना है इसको, ठीक है। तो अब मैं आपको लगाना है आई, तो उस पर आई पे क्लिक करिए और अपने रिमोट कंट्रोल से एनालॉग स्टिक से उसको अप मैक कर दीजिए, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो गया, जैसे आप PSP में करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको डाउन एनालॉग स्टिक पे डाउन करना है, तो के पे करके डाउन करिए, और फिर आपको लेफ्ट करना है तो एल, राइट करना है तो एल पे करिए, और राइट करना है तो जे पे करिए, ठीक है। अब आपकी लेफ्ट साइड वाली एनालॉग स्टिक पूरी आपका उसका हो चुका है। अब इसके बाद हमें करना है अपनी जो राइट साइड में एनालॉग स्टिक है उसको, तो अप में करने के लिए उसके लिए N Pad 8 है, ठीक है। इस पर आप अप कर दीजिए, और डाउन में आपका है 5 डाउन, फिर उसका है लेफ्ट में N Pad 4 लेफ्ट, अब राइट तो ये है N Pad 6 राइट में, ओके। अब ये हो चुका है। अब हमें बटन का करना है, तो जो सर्कल वाला बटन होता है उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है बटन B, तो उसे सेलेक्ट करिए और उसको दबा दीजिए, और फिर बटन बटन जो A है उस पर, जो उसका बगल वाला होता है जो क्रॉस का बटन होता है, उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर इसके बाद जो ऊपर स्क्वायर का बटन होता है उस पर बटन X, और जो आपका ट्राइंगल बटन है उस पर लगना है बटन Y। तो उसके बाद आपको L1 आपको दिख ही रहा है, बटन L1 और बटन L2 ऐसे ही R1 और R2 करना है। उसके बाद पूरा सेलेक्ट हो जाने के बाद आपका एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए, वरना आपसे आपका रिमोट कंट्रोल फिर सही से काम नहीं करेगा। तो इसकी मैं आपको लिख के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि कैसे करना है। तो उसके बाद आप इसको जब सारा हो जाए, उसके बाद आपको ये सेव बटन दिख रहा है नीचे, सेव पर क्लिक करें और सेव कर दें। अभी आपका सेव हो चुका है। अब उसके बाद आप सीधे होम पे जाएं, कट ना करें, होम करना है आपको, क्योंकि कट कर दोगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। उसके बाद आप अपने पैरेलल स्पेस में जाएं, जिसमें आप डेमो USB सॉरी डेमो PS2 यूज़ करते हो। उसके बाद डेमो PS2 स्टार्ट करें। अभी आपका मैं गेम आपको दिखाऊंगा, जो स्टार्ट करते हैं गॉड ऑफ वॉर 2। तो ये हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है।
फ्रेंड मैंने जहाँ से सेव कर रखा था, मैं यहाँ से ही आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बटन आराम से काम कर रहे हैं कंट्रोलर के, ये देखिए मैं स्क्रीन टच नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कंट्रोलर से यूज़ कर रहा हूँ, और इसी की मदद से मैं यहाँ तक इस गेम तक पहुँचा हूँ, यहाँ तक इस स्टेज तक, और वाकई में बहुत स्मूथ काम करता है ये। देखिए सारे बटन काम कर रहे हैं, और आपको अगर कुछ समझ नहीं आए और आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। बहुत स्मूथली काम कर रहा है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो, और भी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, अमेजिंग वीडियोस, जिसको आप देख के कुछ सीख सकते हैं, या अच्छे गेम्स वगैरह, ऐप्स वगैरह, और मैं डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड, जब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।